मार्च को पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के लसुड़िया राठौर गांव में वृद्ध महिला की हत्या कर अफीम लूट की घटना का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि 28 मार्च को लसुड़िया राठौर गांव में अज्ञात बदमाशों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद्रकुमार पति स्वर्गीय समंदर सिंह राठौर उम्र 70 वर्ष की गला रेत कर हत्या कर दी थी और अफीम लूट कर फरार हो गए थे। मृतिका अकेली रहती थी, इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया था। मामले में पुलिस ने हत्या और एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में मलारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में तीन थानों के टीआई की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अफीम लूट और वृद्धा की हत्या में राहुल पिता रमेश चंद्र बावरी निवासी हरमाला शामिल है। सूचना के बाद पुलिस ने राहुल बावरी को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि उसने चावली निवासी अपने साले अदीब पिता नाथूलाल बावरी उम्र 30 वर्ष और साथी दशरथ पिता ओम प्रकाश चौधरी जाट उम्र 34 वर्ष किशोर दास पिता हीरा दास बेरागी उम्र 40 वर्ष के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि वारदात में शामिल दशरथ जाट शातिर तस्कर है। आरोपी एनडीपीएस के मामले में जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद से वह आसपास के छोटे तस्करों से अफीम एकत्रित कर गुजरात राजस्थान में तस्करी करता था। आरोपी को पता था कि लसुड़िया राठौर में वृद्ध महिला चंद्रकुंवर अफीम की लुनाई एवं चिराई के समय निमाहेड़ा से अपने ग्राम लसुड़िया राठौर आकर अकेले रहती है और अफीम को अपने पास कमरे में रखती है। आरोपियों ने अफीम लूटने की योजना बनाई। वारदात के समय वृद्धा जाग गई, जिसे आरोपियों ने गला रेत कर हत्या कर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 किलो 310 ग्राम लूटी गई अफीम, 2 बाइक, हत्या के समय उपयोग में लिया हथियार बरामद किया है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MT7 न्यूज।